प्रतिमा भारती एंड वेलकम टू माय चैनल। टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू रिलेटिव प्रोनाउन हुम। दिस इज द फोर्थ वीडियो ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ रिलेटिव प्रोनाउन हुम के बारे में। तो देखते हैं कैसे इनका यूज करना है। दोस्तों, हुम का हिंदी मीनिंग देखे तो इसका हिंदी मीनिंग होता है किससे, लेकिन जब गाइज आप हुम का यूज रिलेटिव प्रोनाउन में करोगे तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाता है जिसको या जिससे। फॉर एग्जाम्पल, यही वो लड़का है जिसको तुम गाली दे रहे थे, यही वो लड़का है। यानी आप यहाँ पे इशारा कर रहे हो कि यही वो लड़का है जिसको तुम गाली दे रहे थे, जिसको यानी हुम, जिसको तुम गाली दे रहे थे। यानी यहाँ पे हुम का यूज किया जाएगा ऑब्जेक्ट की तरह। यही वो लड़का है, तो इसका इंग्लिश होगा दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय, यही वो लड़का है जिसको तुम गाली दे रहे थे। हुम यू वर अब्यूजिंग, यही वो लड़का है जिसको तुम गाली दे रहे थे। दिस इज द बॉय हुम यू वर अब्यूजिंग। अगला सेंटेंस है, यही वो लड़की है जिससे मैं मिलना चाहता हूँ। यही वो लड़की है, यानी यहाँ पे इशारा कर रहे हो, आप इशारा नजदीक में कर रहे हो तो दिस, और आपको इशारा दूर के लिए करना होगा तो दैट। यही वो लड़की है, यानी दिस इज द गर्ल, दिस इज द गर्ल, यही वो लड़की है जिससे मैं मिलना चाहता हूँ, जिससे यानी हुम, यही वो लड़की है जिससे मैं मिलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मीट, यही वो लड़की है जिससे मैं मिलना चाहता हूँ। दिस इज द गर्ल हुम आई वॉन्ट टू मीट। अगला सेंटेंस है, यही वो लड़की है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। यही वो लड़की है, यानी दिस इज द गर्ल, दिस इज द गर्ल, यही वो लड़की है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ, जिसे यानी हुम, मैं शादी करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मैरी, यही वो लड़की है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। दिस इज द गर्ल हुम आई वॉन्ट टू मैरी। अगला सेंटेंस है, वह लड़की कौन है जिससे तुम बातें कर रहे थे। यानी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वह लड़की कौन है जिसे तुम बातें कर रहे थे, वह लड़की कौन है, यानी हु इज द गर्ल, हु इज द गर्ल जिसे तुम बातें कर रहे थे। हुम यू वर टॉकिंग, वह लड़की कौन है जिसे तुम बातें कर रहे थे। हु इज द गर्ल हुम यू वर टॉकिंग। अगला सेंटेंस है, वह लड़की कौन है जिसे तुम प्यार करते हो। वह लड़की कौन है जिसे तुम प्यार करते हो, वह लड़की कौन है, यानी हु इज द गर्ल, हु इज द गर्ल जिसे तुम प्यार करते हो, जिसे यानी हुम यू लव, वह लड़की कौन है जिसे तुम प्यार करते हो। हु इज द गर्ल हुम यू लव। अगला सेंटेंस है, वह लड़की कौन है जिसको तुम डांट रहे थे। वह लड़की कौन है जिसको तुम डांट रहे थे, यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वह लड़की कौन है। हु इज द गर्ल, हु इज द गर्ल जिसको तुम डांट रहे थे, जिसको यानी हुम, हुम यू वर स्कॉल्डिंग, वह लड़की कौन है जिसको तुम डांट रहे थे। हु इज द गर्ल हुम यू वर स्कॉल्डिंग। अगला सेंटेंस है, यही वो लड़की है जिसको मैं प्यार करता हूँ। यही वो लड़की है जिसको मैं प्यार करता हूँ, यही वो लड़की है, यानी दिस इज द गर्ल, दिस इज द गर्ल जिसको मैं प्यार करता हूँ, जिसको यानी हुम, हुम आई लव, यही वो लड़की है जिसको मैं प्यार करता हूँ। दिस इज द गर्ल हुम आई लव। तो ये हो गया गाइस आपका हुम का यूज रिलेटिव प्रोनाउन में। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।